अभी हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोनाइल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के बारे में। तो कार्बोनाइल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में हमने डिस्कशन किया था, वहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा था वो था एस्टर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के बारे में। ठीक है, वो था सबसे इम्पोर्टेंट एस्टर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के बारे में, कि जो सीओ ये अपना एस्टर ग्रुप होता है आर आर डैश। ठीक है, यहाँ पे जो सीओ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो लगभग 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के पास थी। फिर इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे जो ओ आर का है वो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है सीओ में से, तो इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल जो बेस वैल्यू है 1715 उससे इंक्रीज हो जाती है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा था वो था कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, यहाँ पे कॉन्जुगेशन यदि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ है तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, और कॉन्जुगेशन यदि ऑक्सीजन वाला जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके साथ है तो क्या इफेक्ट है। तो जब इसके साथ इसका कॉन्जुगेशन आएगा तो इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सीओ कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ है, वहां पे सिंगल बॉन्ड क्रैक कराएगा, और सिंगल बॉन्ड क्रैक कराने के कारण ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। लगभग हम डिक्रीज मानते हैं 15 सेंटीमीटर इनवर्स का, तो लगभग ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ये इस रीजन के अंदर रहेगी 1725 से 1730। और यहाँ पे क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा इसके साथ, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आने के कारण यहाँ से ये इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर होगी, तो ट्रांसफर होने से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से जो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होकर हमें मिलेगी 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने लास्ट में डिस्कशन किया था। अभी हमारे कुछ एक फंक्शनल ग्रुप है और जो साइड ग्रुप्स होते हैं इनके लिए हम देखते हैं, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं ग्रुप्स का। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है आज के लिए वो एमीन्स का रहता है। एमीन्स मतलब NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप में यहाँ पे दो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रहेगी, एक तो NH की और दूसरा CN की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं NH के बारे में। तो NH जो है वो सिमिलर टाइप है OH के लिए, जैसे OH के अंदर होता है OH का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है वो अपनाता है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ठीक है, पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहाँ पर ये थोड़ा हाई रहेगा, और ये NH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा वीक रहता है, तो वीक रहने के कारण ये नीचे आएगा। तो इसका क्या रहेगा, ये लगभग 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास है जो NH की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आएगी। पर यहाँ पे दो तरीके होते हैं, जैसे दो टाइप के एमीन ग्रुप होंगे, एक आएगा प्राइमरी एमीन और दूसरा आएगा सेकेंडरी एमीन। प्राइमरी एमीन तो अपना ये हो गया, जैसे इधर कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई आर फंक्शनल ग्रुप है, ये प्राइमरी एमीन है। यहाँ पे दो एनएच बॉन्ड है, तो एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक बैंड करके यहाँ पे दो बैंड देते हैं, तो दो बैंड देंगे तो प्राइमरी एमीन से वो दो बैंड देता है, एक 3400 सेंटीमीटर के आसपास और एक 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। तो प्राइमरी एमीन की पहचान करने के लिए ये चीज होती है कि वहां पे NH2 है वो दो बैंड देता है, जबकि यदि सेकेंडरी एमीन होगा तो सेकेंडरी एमीन के लिए सिर्फ एक ही NH बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे जो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वाले दो बैंड नहीं आएंगे, ये खाली एक बैंड देता है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। और हाँ, यदि 3 डिग्री एमीन होगा तो वहां पे किसी भी प्रकार की कोई NH फ्रीक्वेंसी है वो हमें
नहीं मिलेगी, ठीक है ओके। और फिर यहाँ पे जो सीएन की बात आती है, ये प्राइमरी हो गया, तो जो सीएन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो लगभग जिस टाइप की सीओ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसी टाइप की यही होती है, तो सिर्फ मास का फर्क होता है यहाँ पे सीओ और सीएन का, ठीक है। तो सीएन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो आती है लगभग 1250 से लेकर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में, और सीएन इस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का जो इम्पोर्टेंट यूज है वो होता है एक नॉर्मल एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसका इम्पोर्टेंट वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है किसके लिए कि एलिफेटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यदि ये नॉर्मल RNH2 ग्रुप है और यदि ये फिनाइल रिंग के साथ लगा हुआ NH2 ग्रुप है जिसे मैं एनिलीन लिखूं, तो इन दोनों में जो CN है वो थोड़ा डिफरेंस रहेगा। और वो डिफरेंस क्या है कि जो एरोमेटिक होता है, तो एरोमेटिक के अंदर जो ये फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे मैं एरोमेटिक यहाँ पे बनाता हूँ तो आप क्या उम्मीद करोगे इससे, हम ये एक्सपेक्टेशन रहेगी एनिलीन ग्रुप है तो ये बेंजीन रिंग के अपना बॉन्ड देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से तो ये क्या होगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, सी डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया सीएन का, तो डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होके आएगी। तो यहाँ पे जो सीएन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो इस रीजन के अंदर हमें मिलती है, जबकि नॉर्मल जो एलिफेटिक होता है RNH2 वहां पे ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ये 1000 से 1250 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर रहती है। ये डिफरेंस है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक जो एमीन है उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस CN की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया। फिर अपना आता है नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा आपको, वो है नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा, नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप अपना ये होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन। यहाँ पे जो फर्क है देखो, ये लगभग उसी टाइप का हो गया जिस टाइप से एल्काइन्स में होता है। एल्काइन्स में क्या डिफरेंशिएट, क्या फर्क होता है, ठीक है, ये होता है एल्काइन्स में, ओके ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्या होता है कि दो फर्क रहेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो जो फंक्शनल ग्रुप अपना है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गिवन है, वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो ही हम सोचेंगे कि नाइट्राइल ग्रुप वहां पे है या फिर नहीं है, और अगर वहां पे ये नाइट्रोजन ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब वहां पे नाइट्राइल ग्रुप होगा ही। तो यहाँ पे देखो मेन डिफरेंस क्या आएगा, इसके लिए जो सी ट्रिपल बॉन्ड की है जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, वो रहती है 2150 सेंटीमीटर के आसपास, और ये रहती है 2250 सेंटीमीटर के आसपास, काफी नजदीक सा है। 100 का फर्क है, कुछ फैक्टर लगते हैं जिसके कारण इंक्रीज हो सकती है। तो थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, जो ये जो sp हाइब्रिडाइज CH बॉन्ड है इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के पास होती है वो इसके अंदर तो होगी बट इसके अंदर नहीं होगी। तो ये दो तरीकों से हम नाइट्राइल ग्रुप की कंफर्मेशन करते हैं, पहला ये 2250 के आसपास, और उसके जो एल्काइन्स की है वो आती है 2150 के आसपास, और दूसरा थोड़ा और कंफर्मेशन करने के लिए एल्काइन्स के अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ठीक है, और ये नहीं प्रेजेंट है और इस रीजन के अंदर है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है, बट फिर भी अगर ये आ गया तो अपना ये वाला ग्रुप होगा, ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं होता कि वहाँ पे वो CH बॉन्ड ही होगा, बट फिर भी थोड़ा चेक करने के लिए। तो ये था नाइट्राइल ग्रुप। फिर अपना आता है आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो जो आइसोसाइनाइड ग्रुप है
ये वाला ग्रुप है। तो इसके लिए नाइट्रोजन की प्रेजेंस चाहिए और ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, आइसोसाइनाइड। तो इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो 2270 सेंटीमीटर यूनिवर्स के आसपास आपको मिलेगी। ये ऐसा सीन है, तो ये 2270 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। और फिर हम देखते हैं नाइट्रो ग्रुप जो अपना आता है NO2। RNO2, NO2 ग्रुप। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं हम यहाँ पे। तो ये अपना NO2 ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपना दो टाइप के, तो यहाँ पे NO2 दो बैंड देगा, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। दो बॉन्ड आ गए ना यहाँ पे, तो ये एक सिमेट्रिक बैंड देगा और ये एक सिमेट्रिक बैंड होगा यहाँ पे और एक एसिमेट्रिक बैंड होगा, ठीक है। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर एक और नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन होने चाहिए, फिर हम देखते हैं कि NO2 ग्रुप है या नहीं है। ये यहाँ पे जो दो बैंड आएंगे वो दोनों बैंड है, जो एसिमेट्रिक बैंड है वो लगभग हमें मिलेगा 1600 से 1530 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। एक एसिमेट्रिक का बैंड और दूसरा जो सिमेट्रिक बैंड है एसिमेट्रिक से लोअर फ्रीक्वेंसी पे आता है, तो ये लगभग इस रीजन के अंदर आता है। तेरह सौ नब्बे से 1300 सेंटीमीटर के बीच में, तो ये यहाँ पे है NO2 ग्रुप। तो पहले तो ये होना चाहिए कि एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन हो, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों बैंड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ये NO2 ग्रुप के बारे में। फिर जो अपना आता है थायोल ग्रुप आता है। थायोल ग्रुप तो एक कैरेक्टरिस्टिक अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी शो करता है, जहां पे अभी तक हमने किसी और ग्रुप की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन नहीं किया। और वो अपना कितना है, SH जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो 2550 सेंटीमीटर इनवर्स थायोल ग्रुप। तो भाई अभी तक हमने जितनी फ्रीक्वेंसी की है वहां पे सिर्फ एक जो कार्बोक्लिक एसिड का जो OH का जो बैंड आता है, ब्रॉड बैंड आता है, वो 2400 से 3600 के बीच में आता है। बाकी उसके अलावा अभी तक हमने कोई ऐसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नहीं देखी जो इस रीजन में आती हो। तो ये थायोल ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स हो गए कि यदि इस रीजन के अंदर अगर अपने पास अगर मिल रही है पीक तो वहां पे वो किसकी होगी, ठीक है। तो वहां पे ये थायरॉइड ग्रुप की होगी। और फिर यदि आप फर्दर आप दो तीन और याद रखना चाहते हो तो जो सल्फोक्साइड ग्रुप है, सल्फोन्स है, उनके बारे में भी देख सकते हो, जहां पे ये SOR है, ये सल्फोक्साइड ग्रुप हो गया अपना। यहाँ पे जो SO जो फ्रीक्वेंसी है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, वो कहाँ पे आती है। SO CO एक जैसा सा हो गया, बट यहाँ पे S का मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोनाइल, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कार्बोनाइल से काफी कम आएगी। और जो इसकी जो यहाँ पे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो आती है 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। और फिर अपना जो आता है सल्फोन्स जो आता है, एक और जो आएगा सल्फोन्स, तो सल्फोन्स की कहाँ पे आनी चाहिए, ये इसके अंदर ये दो आते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे दो ये आ गए, तो एक सिमेट्रिक बैंड और एक एसिमेट्रिक बैंड देना चाहिए। तो सिमेट्रिक बैंड है तो ये दो बैंड दो देगा, और दो कहाँ पे देगा, ये सल्फोन्स है, ये दो बैंड देगा, एक सिमेट्रिक का और एक एसिमेट्री का। तो इतना जरूरी नहीं है याद रखना, बट फिर भी यदि कोई ध्यान रखना चाहे तो इसे ध्यान में रख सकता है। ये आ गया सल्फोन्स का। फिर सल्फोनेट्स जो आएगा वो क्या करेगा, सल्फोनेट्स में एक फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, वो कौन सी है, SO एक फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है SO वाली।
दो तो ये है ही, दो बैंड ये देगा, और प्लस में जो एसओ की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे आती है, इसकी 1000 से 750 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। तो पहले फॉर्मूले के अंदर, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर देखना है कि तीन ऑक्सीजन और सल्फर है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये हो सकता है। तो इसके कंफर्मेशन करने के लिए एसओ एसओ के दो बैंड आएंगे, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। तो इसका सिमेट्रिक बैंड है वो 1350 और ये 1175 सेंटीमीटर इनवर्स के पास रहेगा, और जो एसओ का जो बैंड है वो 1000 से 750 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। तो सल्फोनेट्स में क्या होगा, तो सल्फोनेट्स को अगर आप ध्यान में रखना चाहोगे तो सल्फोनेट्स यहाँ पे क्या होगा, एक तो एस डबल बॉन्ड ओ के दो बैंड आएंगे यहाँ पे, एक सिमेट्रिक बैंड और एक एसिमेट्रिक बैंड। तो एसिमेट्रिक है वो 1350 और 1375 के आसपास, और जो ये है ये 1170-75 के आसपास, और दूसरा एक और जो बैंड आएगा वो आएगा एसओ। तो पहले तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर देखना है कि ये बैंड्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे अपने ये सारे सारे वाइब्रेशनल जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स, इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो खत्म होती है। फिर अभी तक हमने बहुत सारे पॉइंट्स है वो डिस्कस किए अपनी पिछली 4-5 वीडियोस के अंदर, तो उन सभी को एक जगह कलेक्ट करके एक वीडियो और बनाते हैं, जिसके अंदर जितनी मेन मेन जो पॉइंट्स रहे हैं अपने, जैसे मिथाइल ग्रुप को कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये sp2 sp3 और sp हाइब्रिडाइज्ड ch बॉन्ड ch है उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, एल्डिहाइड जो करेक्टरिस्टिक्स जो मेन है वो सारे हम एक वीडियो के अंदर पूरा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल नहीं ब्रीफली, किस तरीके से हमें जो ऊपर से जो हमें याद रखना है कि लास्ट टाइम जब हमें रिवाइज करके जाना हो तो किस तरीके से हम देखेंगे वो। तो पूरा डिटेल तो नहीं देखेंगे कि ये इसके अंदर ये इफेक्ट लग रहा है, वो इफेक्ट लग रहा है, तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीटली।